नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए रीट से संबंधित साइकोलॉजी के 75 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये 75 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये हमने लिए हैं वंदना जाधव मैडम की प्रभात बुक से, और ये यूनिट नंबर 3 से लिए हैं व्यक्तित्व से। तो आज व्यक्तित्व से संबंधित 75 क्वेश्चन हैं। सभी विद्यार्थी ईमानदारी का परिचय देते हुए सभी 75 क्वेश्चनों को अटेंड करें, और अटेंड करने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 75 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको सही आंसर बताना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है इसका सही आंसर जो है वो है ब। क्या है दोस्तों? ब, परसोना से। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक और बात कहना चाहूँगा, परसोना शब्द का जो हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मुखौटा। अगला क्वेश्चन है, न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया है? इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर बताना है। न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, अ, विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक। इसका सही आंसर है अ। देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्रियाओं का एक रूप है। जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको आंसर बताना है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों ब, जो गत्यात्मक संगठन है। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन, भावुक व्यक्ति के व्यक्तित्व का गुण है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, और अगला जो दो ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर जो है स, इनकी क्रियाएं भावनाओं से संचालित होती हैं। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन, जुंग ने अंतर्मुखी व्यक्तियों को किन रूपों में विभक्त किया है? आपको सही आंसर बताना है, और इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है द, क्योंकि विचार प्रधान और भाव प्रधान, तर्क प्रधान और दिव्य दृष्टि प्रधान, विचार प्रधान और दिव्य दृष्टि प्रधान, इसलिए इसका सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन, जैवकीय धारकों को किन भागों में बांटा जा सकता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों द, क्योंकि जैविक धारकों को शरीर रचना व नाभिकाभिन ग्रंथियों और शारीरिक रसायन में बांटा जा सकता है। इसका सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व
व्यक्ति से संबंधित समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दशाओं का सम्मिलित स्वरूप है, यह कथन है। यानी ये परिभाषा किसने दी है? इसका सही आंसर है ब लिंटन ने। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है द अभिवृक्क ग्रंथि से। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है, पर्सनालिटी शब्द का उद्गम है? सही आंसर आपको बताना है। और एक इसका सही आंसर है अ लैटिन भाषा। लैटिन भाषा से के पर्सोना शब्द से पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति या उद्गम हुआ है। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है, यह मत है? सही आंसर आपको बताना है। और इसका सही आंसर है ब रेक्स का। ब सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं? सही आंसर बताना है। और ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दिया था सिंगमंड फ्रायड ने, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है द इदम अहम पर अहम। सही आंसर है सॉरी द। अगला क्वेश्चन है, सेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को किन भागों में बांटा है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है द गोलाकार व आयताकार, व कोमल एवं गोलाकार, से लंबाकार एवं कोमल। इसलिए इसका यह आंसर है द। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है? तो इसका सही आंसर है स दार्शनिक दृष्टिकोण। सही आंसर स। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता तथा स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो इसको आपको सही आंसर बताना है इसका। इसका सही आंसर है दोस्तों अ फ्रायड। फ्रायड ने इसका। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, रजोगुण का अर्थ है? रजोगुण का अर्थ है, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है अ कर्म में लगता है। सही आंसर है अ कर्म में लगता है। अगला क्वेश्चन, वेदांत दर्शन के आधार पर शरीर की रचना किस कोष से नहीं मानी जाती है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है द भावना कोष। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि की क्रियाशीलता के प्रभाव से स्त्री पुरुष में यौन इच्छाएं जागृत होती हैं? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों ब जनन ग्रंथि। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्री तत्वता गणितज्ञ एवं विज्ञान चेता होता है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब अंतर्दृष्टि प्रधान व्यक्ति।
सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन, अहम को कहते हैं, अहम को कहते हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है, और इसका सही आंसर है ब, ईगो, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, अहम का विकास बालक के बालकाल में हो जाता है, उक्त कथन है, यानी ये परिभाषा किसने दी है। सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है स, सिगमंड फ्रायड, सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन, हरमन रोसरा परीक्षण का निर्माण कब हुआ, सन आपको बतानी है, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका सही आंसर है दोस्तों स, 1921 में, सही आंसर है प, सॉरी स। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन कर लेता है, उक्त कथन है, ये कथन किसका है, सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर है द ऑलपोर्ट, सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन, अतीन्द्रिय बालक होते हैं, अतीन्द्रिय बालक होते हैं, इसका सही आंसर है ब, भावात्मक, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जो व्यक्तित्व निरीक्षण की विधि नहीं है, तो कौन सी विधि नहीं है, तो उसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर है ब, ब्राह्मण, सही आंसर ब। अगला क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता हैं, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता हैं, तो ये हैं सिगमंड फ्रायड, सही आंसर ब। अगला क्वेश्चन, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है, तो इसका सही आंसर है अ, काम प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसकी देन है, तो इसका सही आंसर है स, जुंग की। अगला क्वेश्चन, टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया, टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया, इसका सही आंसर है ब, मॉर्गन व मुर्रे ने, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है, सही आंसर है स, आंसर स, अनुकरण। अगला क्वेश्चन है, जुंग ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है, इसका सही आंसर है अ, विश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, इसका सही आंसर है द, उपयुक्त सभी, ये लोग अत्यंत सामाजिक होते हैं, आशावादी और क्रियाशील होते हैं, जल्दी ही मित्र बना लेते हैं, सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, ये कथन किसका है, तो इसका सही आंसर है द, बोरिंग का। अगला क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है,
सही आंसर है द रुप्त सवि। कम बोलने वाले लज्जाशील दूसरों के साथ हंसी मजाक में भाग लेना पसंद नहीं करते। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर है द भौतिक आयाम, सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, वांछित व्यक्तित्व होता है, इसका सही आंसर है स संवेगीय स्तर, सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ पद्धतियों में शामिल है, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है अ निरीक्षण पद्धति, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छाएं कौन सी हैं? सही आंसर इसका अ काम वासना है। अगला क्वेश्चन है, रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक हरमन रोसरा का संबंध जिस देश से है? तो इसका सही आंसर है द स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, जुंग ने व्यक्तित्व का विभाजन जिस पुस्तक में किया है वह है? इसका सही आंसर है स टाइप्स ऑफ मैन, सही आंसर स। अगला क्वेश्चन, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है? तो इसका सही आंसर है समाज मिति, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड के विषय में सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन, ये करो या न करो कौन कहता है? तो इसका सही आंसर है स प्राइम एम, सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, क्रेचमर जो कि जर्मन विद्वान है, उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण जिस आधार पर किया है वे हैं? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है अ शारीरिक संरचना के आधार पर। अगला क्वेश्चन, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही आंसर है अ मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है स व्यक्ति इतिहास विधि, सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन, अंतर्मुखी बालक होते हैं, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है।
तो इसका सही आंसर है स, एकांत में विश्वास रखने वाले, सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन, हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है और इसका सही आंसर है अ, 1/10 भाग, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, मानसिक गतिविधि 3 स्तरों में विभाजित की जाती है, यथा चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन, जिसके द्वारा यह सूत्रपात किया गया है वो है, सही आंसर आपको बताना है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक, तो वो सही आंसर इसका है वो ही है, इसका सही आंसर है स, सिगमंड फ्रायड। अगला क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड जन्मदाता थे, सही आंसर मैंने बता दिया था पहले ही इसी क्वेश्चन में, इसका सही आंसर है अ, मनोविश्लेषण विश्लेषणात्मक विधि के, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन, अच्छे चरित्र की विशेषता है, तो इसका सही आंसर है अ, गत्यात्मकता, सही आंसर है अ। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। और इस वीडियो में अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण विधि है, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है शब्द साचर विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि, इसलिए सही आंसर इसका स, अ व दोनों सही है, सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, प्रांशिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण कब हुआ, सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है ब, 1935 में, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, गत्यात्मक प्रतिरूप से तात्पर्य है, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है अ, व्यक्ति विशेष के प्रेरकों संवेगों का प्रभाव जो व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न करता है, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किन मनोवैज्ञानिकों ने किया, सही आंसर आपको बताना है, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका सही आंसर है स, ऑलपोर्ट तथा कैटल ने, सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य करने पर व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता, तो इसका सही आंसर है द, पीनियल ग्रंथि, सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन, निम्न ग्रंथि के स्त्राव से यौन क्रिया में रुचि जागृत होती है, तो इसका सही आंसर है गोनेडस, सही आंसर है अ, गोनेडस। अगला क्वेश्चन, प्राय मोटे व्यक्ति होते हैं, इसका सही आंसर आपको दिखाना है, तो इसका सही आंसर है असमुख और आराम पसंद, मनमोजी सामाजिक, सही आंसर है द, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, दुबले व्यक्ति की प्रकृति होती है, आपको सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर है चिड़चिड़ी, गंभीर, असामाजिक, सही आंसर है द, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के निर्माण में इसका अधिक महत्व होता है, सही आंसर आपको बताना है, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका सही आंसर है दोस्तों द, प्रतिमान, सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, प्रांशिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं, तो इसका सही आंसर आपको बताना है,
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब 30। कितने होते हैं? 30 होते हैं, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका सही आंसर है दोस्तों इड, ईगो, सुपर ईगो, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी सभी द आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, एक मानसिक रोगी बालक के अध्ययन के लिए शिक्षा मनोविज्ञान व अनुसंधान की उपयुक्त विधि कौन सी विधि सही है? इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों ब प्रयोगात्मक विधि, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, आकर्षक व्यक्ति हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है, यह है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स, ध्येय की ओर अग्रसर होना, सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन, जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है और उनका सार निकालकर संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना कहलाता है? सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर है दोस्तों द, निर्धारण मान, सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में किया जाता है वह कहलाता है? सही आंसर आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है अ, नियंत्रित अवलोकन, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, प्राइड ने स्वप्न में चढ़ाई पर चढ़ना किसका प्रतीक माना है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब, मैथुन का, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन, फ्राइड ने स्वप्न में यात्रा करने को किसका प्रतीक माना है? तो सही आंसर आपको बताना है इसका, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर है ब, मृत्यु का, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब, पीयूष ग्रंथि, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, संगठित व्यक्तित्व तो कहते हैं जिसमें निम्नलिखित पंचों का विकास हुआ है? सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों द, इनमें से सभी, यानी सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, सही आंसर है इसका द। अगला क्वेश्चन है, बहिर्मुखी व्यक्ति होता है, सही आंसर आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों स, उसकी सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि होती है, सही आंसर इसका स। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अ, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, रक्त प्रदान व्यक्ति होता है, तो इसमें सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है प्रसन्नचित्त होते हैं, चंचल होते हैं, क्रियाशील होते हैं, सही आंसर है द, इनमें से सभी, सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन, बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को डॉक्टर फ्राइड ने माना, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब, नार्सिसिज्म, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, जंग महोदय ने मानव व्यक्तित्व को बांटा है, सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सही आंसर है द, सभी, सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन, चरित्रवान व्यक्ति में श्रेष्ठ आदर्शों के प्रति भाव हैं? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है, तो सही आंसर इसका है ब, सम्मान का, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन, हसमुख और समाज प्रिय व्यक्ति जिस वर्ग में आते हैं
वह हैं। सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों बिसेरोटोनिया, सही आंसर है। और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा इस वीडियो का, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना न भूलें। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, वातावरण में ये समस्त तत्व सम्मिलित हैं जो प्रभावित करते हैं। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर है अ, व्यक्ति के व्यवहार को, व्यक्ति के व्यवहार को। दोस्तों मिलेंगे ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।